हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको अपने बोगनविलिया प्लांट के बारे में बताती हूँ कि मैंने इसमें ऐसा क्या डाला जिससे इस पर फ्लावरिंग शुरू हो गई। तो अक्टूबर का एंड हो गया है, मतलब नवंबर है आज फर्स्ट, और देखिए इस पर फ्लावरिंग आई है। इस मौसम में नहीं आती है, समर में आती है इस पर फ्लावरिंग। ज़्यादातर ये समर प्लांट है, समर गर्मी का प्लांट है ये। और देखिए इस पर, मैं छोटा ही प्लांट है, मैंने इसकी प्रून कर दिया था इसको, उसके बाद इस पर फ्लावरिंग शुरू हुई। और मैंने इसमें ऐसी चीज़ डाली है कि इस पर देखिए इतनी खुशी हो रही है मुझे अपने फ्लावरिंग देख के बोगनविलिया पे। अब मैंने इसमें ये सीवीड ग्रेनवल्स में लाई थी नर्सरी से, वो मैंने इसमें डाइल्यूट करके रखे 3-4 घंटे के लिए। मैंने थोड़े से 1-1.5 चम्मच मैंने ग्रेनवल्स मिला के इसमें रख दिए, और इसके बाद मैंने ये पानी इसमें डाल दिया है। मैं 15 दिन पहले डाला था और 15 दिन बाद अब फिर डाल रही हूँ। अब उसका रिज़ल्ट ये आपके सामने है, बहुत सुंदर फ्लावर आया इस पर। मैं खुश हूँ ये देख करके कितनी अच्छी फ्लावरिंग हुई है। ये सीवीड एक्सट्रैक्ट भी मिलता है इसका, लिक्विड फॉर्म में भी मिलता है, ग्रेनवल्स भी मिलते हैं, लेकिन मुझे लिक्विड नहीं मिला था तो मैं ग्रेनवल्स ही ले आई और ये मैंने इसमें डाइल्यूट करके डाल दिया। देखिए आज इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। एक और प्लांट है मेरा, उस पर अलग कलर है, उसमें भी मैंने डाला, उसका भी मैं रिज़ल्ट आपको दिखाऊंगी। थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। थैंक यू।